हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हेलो हाय। ये साहिल है, आप सब लोगों के डिमांड पे इस वीडियो पे लेके आई हूँ। आप बोलते हो ना कि आपका ये भाई तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। तो अभी जो है सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं नहा ली हूँ, अपना हेयर वॉश किए मैंने, अभी मौसी भी नहा ली है लेकिन अभी तैयार हो रही है, धीरे 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 चाय पी रही है। ये बात है, चाय सबके गिलासों में चल रहे तो हम लोग जो है 1 घंटा या आधा घंटे के अंदर निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम जिसे 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच जाए। हरिद्वार जाने में कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास लगते हैं, और जल्दी चलेंगे तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, तो इसी चीज में लगे। मैंने सोचा कि है जी, हाँ हाँ मामा जी, और तो सुबह ही उठ गए, सुबह 4 बजे उठी मामी जी। अब 4 बजे उठ गए थे वो लोग, अब हम सब लोग भी फटाफट रेडी होते हैं। ना तो पापा उठे हैं, ना सागर उठा है, ना सेजल उठी है, तीनों के तीनों पड़े हुए सो रहे हैं। और मैं, मेरा भाई और मौसी, हम तीनों सुबह सुबह नहा धो के बैठ गया, दिन बेचारा था रेडी भी होके बैठ गया, सबसे पहले सो के उठा था ये। कितने बजे उठा है? 4:30। हाँ, इसने आंतों के साथ ही मुझे उठाया, मैं कि भैया अभी उठ रही हूँ, अभी उठ रही हूँ करके। और ये शोर में शोर, हाय हेलो, फोन में बिजी है, सुबह सुबह वो फोन में बिजी है। तो फटाफट से हम लोग रेडी होते हैं, पबजी खेलने, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, बाय बाय। तो सब लोग जो है तैयार हो गए हैं, और बस अभी तक सागर तैयार नहीं हुआ है क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर घूमने में लगा हुआ था, फिर वो सो भी रहा था, तो इसीलिए उसका टाइम लग गया, सबसे लेट तैयार हुआ था। मौसी बड़ी खूबसूरत लग रही है और सेजल भी बहुत स्मार्ट लग रही थी, तो मैं कभी भी बेड साफ करने लग जाती हूँ और कभी मैं सेल्फी लेने लग जाती हूँ, सेजल बार बार एक सेल्फी, तो मैं इन्हीं चक्करों में लग रही थी। मैं सोच रही थी जाने से पहले मैं बेड थोड़ा क्लीन कर लूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान बेड पर फैला हुआ था, तो होता है ना कि थोड़ा साफ। चलो हाय हाय, सुबह 6 बजे का तैयार हुआ। ये ना नहीं, पापा की अलमारी में ऊपर ये है। हेलो, हाँ हाँ, नमस्ते। पहुंच गए हैं, और आप लोगों को तो पता ही है मेरी क्या हालत हो जाती है दूर के सफर में, मैं बिल्कुल भी फोन यूज नहीं कर पाती। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि मेरा सिर घूम रहा है, तो इसी वजह से मैं कभी भी यूज नहीं करती हूँ। तो हम लोग जो है घर से खाना खा के नहीं आए थे, सिर्फ हमने एक आधी ब्रेड खाया था, लेकिन अब भूख लग रही है, 10:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं। हमने खाए थे यहाँ पे आलू के पराठे, और मौसी का घर यहाँ से 1 घंटे। हम लोग जो है
है 2-2.5 घंटे पहले पहुंच गए थे यहाँ पे, और आप लोगों को मेरे फेस से दिख रहा होगा कितना गुस्सा आ रहा है मुझे। पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं दूर का सफर तय करती हूँ ना तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी हो जाती है, तो इसी वजह से मैं इरिटेट सी हो रही थी। और मैं यहाँ पे थी भी नहीं, मैं सबसे पहले हम लोग पहुंच गए थे तो हम लोगों ने नाश्ता किया और मैं और सिजल घर चले गए थे। इतने में मामा जी यार आ गए, तो फिर वो लोग वहीं थे जहाँ पे खाना था, मतलब काफी ज्यादा दूरी पे था ये सब कुछ। फिर सागर का फोन आया कि भाई आ जा, कहाँ वहाँ अकेली बैठी है, तो मैं आ गई। फिर मैं खाना वाना खाने लगी तो थोड़ा मेरी तबीयत अब ठीक सी लग रही है, मेरे फेस से लग रहा होगा आप लोगों को। मुझे बहुत पता नहीं अजीब सा कुछ हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, और यहाँ पे सेजल और साहिल अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। और ये है मेघा और उज्जवल, इसे तो आप जानते ही हैं। हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, आफ्टरनून। तो हम सब लोग जो है खाना पीना हम सबका हो गया है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग जो है घर चले गए हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि धूप में बड़ा मजा आ रहा है। और यहाँ पे ये सब लोग बैठे, हाय हाय बाय बाय। तो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेघा वहाँ पे फोन पे बात कर रही है, हाय जो ये मुझसे बोल रहा है दीदी अब आप वॉइस ओवर वाली वीडियो बनाती हो, बातें करने वाली वीडियो नहीं बनाती, इसे बातें करने वाली वीडियो पसंद है ना। ये सबसे पहला सब्सक्राइबर है मेरा, इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था। सबसे आज सबसे ज्यादा खुशी इसे ही हुई थी जब मेरा चैनल खुला। आज सबसे ज्यादा मैंने ही फैलाया था। सबसे ज्यादा मुझे प्रमोट मेरे भाई ने किया था, आधे मेहमानपुर में प्रमोट कर। मेरी बहन यूट्यूबर है, सब्सक्राइब करो। जब मेरे 7 या 8 सब्सक्राइबर थे और मैं उज्जवल से ना छुपा रही थी कि इसे ना पता चले मेरे यूट्यूब चैनल है, लेकिन सागर के फोन में जो सब्सक्राइब था मेरा, लेकिन इसने ना वहां पे देख ली मैं कि भाई मेरा चैनल है, ये मेरे पीछे पड़ गए तुम्हारा चैनल है। क्योंकि व्लॉगिंग स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, पर इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। छुटकू सा है लेकिन क्या हुआ, चुटकू सा है लेकिन बहुत प्यारा है ना। कुछ कुछ बेकार आम है ना, इसलिए रखी ही। अब आगे देखा, हाय हाय हाय, ये पागलों के टोले सारे सारे एक से बड़ा बड़ा पागल। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मंगला देवी। तो साइड लगा लो ना, आगे निकलने तो पहले आने वाले होंगे। हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी के लिए, और हम यहाँ से पार्किंग में गाड़ी हम लोगों ने लगा दी है। सब लोग जा रहे हैं, देखो मेघा सब के सब लोग जा रहे हैं एक साथ। उज्जवल तो हम लोग एक साथ, मैं उज्जवल मामा मौसी सागर। सागर आने के लिए मना कर रहा था, लेकिन फाइनली उज्जवल ने, उसने साहिल ने, मौसी ने, इन लोगों ने मना लिया सागर को, तो इसलिए वो भी आ रहा है। कैमरे पे भी आप फेरता हूं, देखो 15 लोग ध्यान देंगे। अगर किसी अगर कोई हेलो, हाय। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पापा भी घूमने के लिए रेडी हुए, वरना पापा कभी घूमने के लिए तैयार नहीं होते, कभी भी नहीं। क्यों पापा, घूमना अच्छा लगता? घूमने में अनकंफर्टेबल तो हो रहा है यार। पापा बोले सबसे बढ़िया अपने घर रहो, है ना। चढ़ाई चालू हो गई। जब मनसा देवी की चढ़ाई स्टार्ट होती है तो उससे पहले ना बहुत प्यारा मार्केट पड़ता है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। और जो लकड़ी का सामान होता है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन हमने लिया नहीं यहाँ से क्योंकि जाते वक्त लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। और हम क्या सोच रहे थे कि हम उड़न खटोले पे जाएं, लेकिन वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि बहुत टाइम लगने वाला था। और जब सब लोग साथ में रहते हैं तो जोश सा आ ही जाता है कि नहीं भाई पैदल पैदल चलेंगे हम सब लोग। हम लोगों को कोई ऐसे प्लान नहीं था कि हम लोग जो है मनसा देवी जाने वाले हैं, एकदम से सब लोग बैठे हुए थे, फंक्शन जो है खत्म हो गया था, और हमें शुरू से ही था कि हम एक रात रुक के जाएंगे। तो इस टाइम जो है हमने सोचा कि चलो माता रानी से ही मिल के आ जाते हैं, माता रानी के दर पे ही आ जाते हैं, क्योंकि 6:30 बजे जो है मंदिर बंद हो जाता है, टाइम लिमिट है यहाँ पे। तो हम लोग जो रुक नहीं रहे थे, सीधा चल ही रहे थे, मंदिर बंद होने से पहले हम लोगों को ऊपर पहुंचना था वहां पे।
ये हमारी मामी जी हैं जिन्हें ऐसे लेके जा रहे हैं, बहुत थक चुकी है। चल चल के जो है बहुत बुरी हालत हो चुकी है, और यहाँ पे जो है सागर मुझे पीछे से धक्का दे रहा था जिससे मुझे चलने में ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ने में जो है पैरों में एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये मुझे जो है सहारा दे रहा है, बोल रहे तू चल मैं तुझे सहारा दूंगा, और होता भी है कि असर होता है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता बॉडी पर चलने पर। और ये बेचारा मुझे ऐसे ही लेके गया, मैं इससे बोल रही तू थक जाएगा, बोल रहा है मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं नहीं थकने वाला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आप लोगों, जैसे आप लोग को पता ही है। तो दूसरी तरफ जो है मम्मी थी, मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक रही थी, और उनका हाथ जो है पापा पकड़ के चल रहे थे पूरे रास्ते। मम्मी पापा सबसे आगे रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा आगे रहे हैं, मम्मी पापा ने जो है ज्यादातर सबसे आगे रहे, पापा मम्मी का हाथ पकड़ के ये उज्जवल वीडियो बना रहा था, सबसे आगे 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 दोनों घूमे जा रहे थे, और मम्मी बार बार थक जाती थी।